आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सरदार सिंह की मान, आम आदमी पार्टी। स्टेज के उत्ते प्लीज रचना करो, जेड़े बंदे इधरले पासे खड़े हो थोड़ा जिहा रास्ता छड के साइड ते आ जाण। मैं हुण बेनती करना चाहुंदा, पूरा फूल तो पहुंचिया उन्हां दे इत्थे आए तां जीवां आ कहिंदे जी सी नवेश कटारिया जी, उन्हां दा वी जीवां आ कहिंदे जी इत्थे आए दा। इस तों बाद मैं बेनती करना चाहुंदा जी, समां 2 मिंट दी लायो जी। मैडम सरनजीत कौर घड़ी जी फाजिलका तों सीना पाड़ के पत्थरां दा मंदिर दे मत्थे धरती लगदी बेरोजगारी गरीबी के पिंजरे च बंद कर रखा है ना अपना जो सिलेबस है, सिलेबस जब पढ़ाया जाता अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में गुलामी है, गुलामी कोई गल नहीं, इतनी गुलामी है ना, दिमागी गुलामी वो कढ़ने हैं आपी बहुत बहुत सारे तो आप कढ़ने कामयाब हो गए। दो तीन गल्ला चेंज हुई ने आम आदमी पार्टी नाल। पहली गल तो एक रिक्शे वाला भी सोचण लग गया हमारे जितने भी लोग म्यूनिसिपल चुनाव लड़े, आज उनसे गलबात करेंगे, उनकी हौसला अफजाई भी करेंगे और पूरे चुनाव की समीक्षा करेंगे। इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी को कहा जाता था कि शहरों में कमज़ोर है, कहा जाता था कि ये पार्टी का संगठन नहीं है। आज इस चुनाव में हमने ये दिखा दिया कि आम आदमी पार्टी की फ़ौज गली गली मोहल्ले मोहल्ले में है, शहरों में है और ज़ीरो सीट से 67 सीट तक आम आदमी पार्टी पहुंची है। आने वाले चुनावों की रणनीति बनाने के लिए आज सबसे गलबात करें। राहुल जी, पंजाब सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं, विधानसभा चुनाव वादा किया है पंजाब नशा खत्म होगा तो जरा किया जाऊगा, 4 साल बीत चुके हैं। आम आदमी पार्टी अकाली दल पार्टी है 1 तरीक नूं विधानसभा चुनाव का विरोध कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी और कैप्टन साहब ने बीते 4 साल में मुझे लगता है कि पंजाब के इतिहास में सबसे निकम्मी और सुस्त सरकार चलाई। पूरे 4 साल राजा साहब अपने महल के बाहर नहीं आए, कहा था कि 4 हफ्तों में नशा ख़त्म कर दूंगा, घर घर नौकरी दूंगा, कर्ज़ा खुरकी माफ़ करूंगा और क्या क्या नहीं कहा, सूरज चांद सितारे तक वादे कर दिए, लेकिन एक भी चीज़ पंजाब की वेखो जी, पिछले दिन ही पंजाब नगर निगम की चोणा हुई ने, उन्हां चोणा दे नतीजे जो मर्जी रहे पर किना हालात जो चोण लड़ी तो शहरी इलाकों जिथे कहा जाता सी भी आम आदमी पार्टी का उन्ना आधार नहीं है, तो अज शहरां विच भी पता लग गया कि हर घर में आम आदमी पार्टी का झंडा चुकण वाला हर वार्ड में बंदे है, तो उस चीज़ की हल्लाशेरी देन अपनी सारी टीम को बधाइया देन, उन्हां दी हौसला अफजाई करने वास्ते अज्ज दी मीटिंग रखी गई है। बिल्कुल, अगे दी सारी देखो जिहड़े साडे MC दीआं इलैक्शनां दे विच उम्मीदवार लड़े 1600 दे लगभग सारे पंजाब चों, ते अज उन्हां नूं मिलण आए आ, शाबाशी देण आए आ, हौसला बढ़ाउण आए आ। जिन्हां ने इन्ने जुल्म दे ਝੱਖੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 67 ਦੀਵੇ ਜਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਤੋਂ 67 ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਾਂਜੀ 1600 ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ 67 ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖੀ ਨੇ ਆਉਣ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਅਗਲੀ ਲੜਨੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 22 ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ ਤਾਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਝਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ